2024 के चुनावी नतीजे क्या मोदी की फेयरवेल का मैंडेट है? और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है। क्या इंडिया गठबंधन सत्ता का प्रबल दावेदार है? कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। जनमत नहीं, अभी उनके इसमें कितना खेला होने वाला है और पता चलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक भावना है कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश की जनता की भी भावना। क्या बीजेपी को गठबंधन सरकार के लिए चाल, चरित्र और चेहरा बदलना होगा? 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या नैतिक पराजय स्वीकार करके नरेंद्र मोदी सत्ता स्पर्धा से दूर होंगे? क्या कोई और नेता भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्या मोदी पीएम की हैट्रिक लगा पाएंगे? तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता घटी है? इससे साबित होता है कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, केवल धन बल और सत्ता के बल पर चुनाव जीते हैं। 18-18 बिजनेस मंत्री, 8-10 राज्यपाल, अमित शाह जी यहीं दसियों दिन कैंप किए, 15 दिन, मोदी जी 3 दिन 4 दिन यहाँ आगे रात रुके, उसके बावजूद ये हालत हो गई। बीजेपी बहुमत से दूर, 400 का संकल्प चूर। सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। जो गठबंधन को मजाक के तौर पर उड़ाया करती थी, वो पार्टी आज एक एक सीट वाली पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देश के मन में इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 के जनादेश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बहुमत का आंकड़ा एनडीए गठबंधन के पास है, लेकिन दावेदारी में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। इंडिया गठबंधन ने भी कह दिया है कि सरकार बनाने के दावे पर फैसला कल होगा। इसीलिए पटियाल आज के परीक्षण की शुरुआत एक पुरानी तस्वीर से करना चाहता है। यह तस्वीर 11 महीने पुरानी है। तारीख थी 14 जुलाई 2023। दिल्ली में एनडीए की एक अहम बैठक हुई, इसमें 38 दल शामिल हुए। अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। इसी तस्वीर में आज के नतीजों की स्क्रिप्ट लिखी थी। बीजेपी को उसी दिन आज के नतीजों का अंदाजा हो गया था। शायद इसीलिए बीजेपी ने गठबंधन की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी। आज नतीजे गठबंधन के पक्ष में है, पार्टी के पक्ष में नहीं है। बहुमत गठबंधन के पक्ष में है, इसलिए प्रधानमंत्री और सरकार पर कयास शुरू हो गए हैं, जैसा कि हमेशा होता है। गठबंधन का नाम आते ही सियासी तस्वीर जरा धुंधली हो जाती है। 2019 में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती, सब कुछ साफ था, गठबंधन के साथी थे, लेकिन कोई कंफ्यूजन कहीं भी नहीं था। 2024 में बीजेपी 250 के पार नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, चाल पर, चरित्र पर और चेहरे पर भी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार, इस सवाल को कांग्रेस के जवाब और उसके रहस्यमयी ढंग से आज के किए गए ऐलान से और पेचीदा बना दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनाने के दावे पर कल इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला होगा।
आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं, आप चाहते क्या है? नहीं देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया, फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मतदाताओं को संदेश दिया है, आप भी सुनिए। To the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me, जो आपने मुझे भारी support दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं Wayanad का MP रहूँगा या Raebareli का, मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, congratulations और बधाई आप सबको, नमस्कार। ABP News, आपको रखे आगे।